रक्षाबंधन 2019 सावन की समाप्ति पर भगवान शिव की करें पूजा, होगा ये बड़ा लाभ। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। साल में कुल 12 पूर्णिमा आते हैं, जिसमें श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन आने वाली पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि को हिंदू परंपरा में काफी महत्वपूर्ण माना गया है। आप इस दिन धन समृद्धि के लिए कुछ प्रचलित उपाय अपना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप इस दिन को अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार यानी कि श्रावण पूर्णिमा गुरुवार को है। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करना काफी शुभ हो सकता है। इस खास दिन पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में चल रही परेशानियों से राहत पा सकते हैं। इस दिन चने की दाल, पीला चंदन, केला, पीले वस्त्र दान करना फलदायी होगा। यह उपाय पितृ दोष और ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी कम करने में कारगर माना गया है। रक्षाबंधन के दिन पूजा घर में एकाक्षी नारियल स्थापित करें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पूजा में इस प्रकार के नारियल को बेहद शुभ माना जाता है। श्रावण मास की समाप्ति पर भगवान शिव की पूजा करें। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दूध में घी, दही, गंगा जल और शहद मिलाकर शिव जी की पूजा करें और उन्हें सफेद चंदन व सफेद फूल चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सावन पूर्णिमा के दिन सुबह ही पीपल के पेड़ को पानी दें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। धूप दीप दिखाकर भोग लगाएं, साथ ही माँ को घर आने का निमंत्रण दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को हल्दी का लेप लगाकर देवी लक्ष्मी के सामने रखकर ही इनका पूजा करें। कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कौड़ियों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।